पिन नंबर 677, 677 सहानुभूति दर्शन, 472 और 473, 472, 473, 11/1/2001 श्रीदेव चंद भाई। नमो वर्यताणम, नमो सिताणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोये सर्वताणम, नमो समय साराय सानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिते मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंदकुंदाय जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मणां जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनो कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। सहानुभूति दर्शन पूज्य बैंक की तत्व चर्चा प्रश्न नंबर 472। प्रश्न, आकुरता मंद पड़ी जाए एटले शांति लागे छे, शुभ अशुभ नो पलटो थया करे छे, तो आगळ वधवा शुं करूं? राजेश के भाव कभी ज्यादा होते हैं, अभी समझ करते हैं, अवलोकन करते हैं तो शांत हो जाते हैं, वापिस अवलोकन छूटता है, वापिस जागृति तीव्र हो जाते हैं, वापिस करना धरना चालू, फिर वापिस जब जागृति में आते हैं तब करना धरना मिट करके सिर्फ जानना देखना होता है, जब जानना देखना होता है तो टेंशन कम, अशांति चले आती है, डर चले जाता है, भय चले जाता है और शांति मिलती है, वापिस जब जागृति छूटती है तो वापिस अशांति में आ जाता है, ऐसे शुभ और अशुभ का पलटा होते रहता है। साधना में उतार चढ़ाव है, एक धारापना नहीं, शांति 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 नहीं है, तो फिर ऐसे तो फिर हम कितनी मेहनत करें, चार कदम आगे चले और फिर चार कदम पीछे आए तो आखिर वहां के वहीं हो गए, आगे तो बढ़ते नहीं है, आत्मा के दर्शन तो होते नहीं है, अब क्या करना, ये प्रश्न है। समाधान, अनादि थी जीवने अभ्यास छे એટલે શુભ ને અશુભ ચાલ્યા કરે છે, અનાદિ સે જાણને દેખને કા અભ્યાસ કભી કિયા નહીં, કરને નહીં કરને કા અભ્યાસ કિયા હૈ, એક ભાવ નહીં અનંત ભાવ ઇસને એસા હી કિયા હૈ, જિસકા પ્રયત્ન કરો અભ્યાસ પ્રેક્ટિસ, વો અપને કો એસા લગતા હૈ કે ઇઝી હૈ, પુણ્ય પાપ કરના બહોત ઇઝી, ગુસ્સા કરના ઇઝી હૈ, બોજા ઉઠાના ઇઝી લગતા હૈ, क्योंकि हमारी आदत ऐसी बन गई है, हम प्रैक्टिस करके इतने माहिर हो गए, जैसे बचपन से जिसकी हैंडराइटिंग अच्छी हो गई वो अच्छी, बाकी कितना लाख कोशिश करो तो नहीं होती, कोई बचपन से लेफ्ट हैंड से लिखता है और राइट हैंड से नहीं लिख सकता, उसके लिए उसको प्रैक्टिस करने पड़ेगा, जो आदत बनी हुई है वो छुटती नहीं, क्योंकि वो प्रैक्टिस करते करते वो ऑटोमेटिक हो गई, सहज हो गई, जब अनादि थी जीव ने अभ्यास से अनंत काल का जन्म मरण का अभ्यास राग और द्वेष करने का है, इसीलिए शुभ और अशुभ तो बिना प्रयत्न चलता है, जैसे सांस चलती है ऐसे शुभ अशुभ चलते हैं, कोई क्रोध करने के लिए प्लानिंग नहीं करनी पड़ती है, वो ऑटोमेटिक जैसा कि प्रसंग आते ही बिना सोचे बिना समझे चालू गुस्सा चालू, कोई भी ऐसा प्रसंग बनना अपनी इच्छा के विरुद्ध तो बिना सोचे ही चालू हो जाता है गुस्सा, तो ऐसे अशुभ भाव चाले होते हैं और फिर ठंडा हो जाता है थोड़ा प्रयत्न करने से, क्योंकि ज्यादा देर तक तो दुख में रह नहीं सकता, तो वहां पर सोचता है कि क्या फायदा है इतनी दुखी होकर के, फिर लेट गो करता है, पहले हाथ पांव मार लेता है, फिर कुछ भी नहीं हासिल होता है, अब जान लो अपने नसीब में नहीं है करके, नसीब की बात आते ही
उसका गुस्सा ठंडा हो जाता है, ऐसे चलते रहता है, हमेशा उसने ऐसा ही किया है। अशुभ सहजे छूटी जाए अने शुभ में पलटो खाए ते पुण्य बनते हैं। प्रैक्टिस करे और अशुभ भाव अपने आप छूट जावे और सदगुरु के साथ सत्संग भक्ति में आवे, तत्व का विचार करे, ऐसे पलटी मारे, आत्मा का कल्याण करना है, अहित नहीं करना है, सावधान रहना है, जागृति में रहना है, अवलोकन करना है, ऐसा आते ही क्रोधादि भाव को छोड़ना नहीं पड़ता, वो अपने आप छूट जाते हैं। इसको कहते हैं पुण्य का बंध। क्रोध छूट गया, अशुभ भाव छूट गया, अशुभ भाव में आ गया, जी आत्म कल्याण की विचारणा में आ गया, जी सदगुरु को याद करता है, भक्ति करता है, अवलोकन की साधना शुरू करता है, तो ऐसा अशुभ भाव जो तीव्र था वो होकर के कम हो जाता है, मंद होकर के शुभ भाव में आता है, शांति लगती है। लेकिन उसमें पुण्य का बंध है, वो शांति सच्ची शांति नहीं है, क्योंकि वो वापिस पलट जाएगी आगे आकर के, पलटी मार के वापिस अशुभ में आता है। अशांति शांति, अशांति शांति, ऐसा तो जो पलट जाए वो सच्चा नहीं, ये शांति है वो सच्ची शांति नहीं है, क्योंकि उसमें पुण्य का बंध होता है। पर अजीत निजी भूमिका रही जाए, ऐसा शुभ करना आता है, अशुभ करना आता है, लेकिन आत्मा का अनुभव करना तीसरा बात वो नहीं आता है उसको। वो भूमिका है शुद्ध उपयोग वाली भूमिका है। शुद्ध उपयोग माने क्या, ज्ञान ज्ञान को देखें, ज्ञान अपने आत्मा को देखें, दृष्टि अंदर में अपने स्वरूप में हो गए और सारी दुनिया भूल जाए, तो कुछ दिखे ही नहीं, सुने ही नहीं, तो राग द्वेष कहां से करें। जब आत्मा में लीन होता है जीव, तो आवाज भी सुनने में नहीं आता है कुछ भी, तो आवाज बंद करो ऐसा भी कहां रहता है, वो बात भी नहीं रहती, ऐसा नहीं ऐसा करो वो बात का रहता है, राग द्वेष खत्म हो जाते हैं अपने आप। तो ये जो प्रैक्टिस है उसने कभी किया नहीं, शुद्ध उपयोग वाली प्रैक्टिस जो है इसने कभी नहीं किया है, और राग द्वेष की प्रैक्टिस उसने की है, तो वो तो ऑटोमेटिक है, लेकिन इसमें अब मेहनत लगेगी, अपने आत्मा में रहना, अंदर लीन होना, उसमें तो बहुत मेहनत लगती है शुरुआत वाले, फिर बाद में तो वो भी आसान हो जाता है, इतना आसान होता है कि सारी दुनिया को ठोकर मार सकता है, पहली बार अनुभव होते ही वो बादशाह हो जाता है, दुनिया में कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने में सब पूर्ण हूँ, दुनिया पूरी सोने की हो जाए तो भी मुझे नहीं चाहिए, ऐसा वो पावर आ जाता है अंदर, क्योंकि मालूम है नहीं चाहिए क्यों, इतना सब कुछ है दुनिया में भी नहीं चाहिए क्यों, कि है लेकिन मेरे को शांति वहां से मिलने वाली, शांति मिले वो मुझे चाहिए, शांति नहीं मिले तो क्या फायदा, सब कुछ हो लेकिन दुख मिले तो क्या फायदा, इसीलिए वो सब कुछ होकर मारता है। और शांति जहां से मिलती है अपने आत्मा में, उसको देखने से उसको पूर्ण तृप्ति होती है, अब मुझे मेरी मंजिल मिल गई, अब मुझे दौड़दाम नहीं करनी है, घर बैठे ग्राहक आता है तो कौन ग्राहक के पास माल देने जा रहे हैं, कौन कलेक्शन करने जा रहे हैं, कौन ठोकर खा रहे, कौन भूखा पैसा ट्रैवलिंग करे, बोझा उठा रहे, क्योंकि जितना होना है उतना घर बैठ के आ जाता है, यहीं आकर के पैसा लेके आता है, यहीं आकर के माल लेके आता है, क्या जरूरत है अपने। ऐसा जिसको अपने आत्मा में ही शांति मिल जाती है, उसकी दौड़ दाम भटक भटक सब खत्म हो जाते हैं, शांति से बैठा है अपनी जगह पर। ये है शुद्ध उपयोग की भूमिका। अशुभ थी पलटो खाता सुबह आवे छे, जब पाप खत्म होते हैं तो पलटो वापिस क्या होता है, शुभ भाव आ जाता है, भाव में अच्छे भाव आ जाते हैं। पर ऐसा होता है साधक को, मुमुक्षु को भी आत्मज्ञान के पहले ऐसा होता है, जागृति में आते तत्व विचार, गुरु की महिमा, मार्ग की महिमा और जानने मात्रा लेने से अशांति दूर चले जाती है, शांति जैसा लगता है, ऐसा होता है मुमुक्षु को भी, लेकिन सावधान रहना है, इसको सच्ची शांति नहीं मानना है, उसको ये श्रद्धा रखना है कि पर अंदर श्रद्धा रख कि आ हूं करू छू ते तो शुभ भाव छू, अभी मंजिल मिली नहीं, शांति मिली ऐसा लगता है, लेकिन वो तो अशांति बुझ गई है इसलिए लगता है। जैसे कैसे कि भाई चार रोटी की भूख है और दो रोटी मिली, दो रोटी के जो अशांति थी वो कम हुई है, दो रोटी की बाकी रही, तो तीसरी खाई तो तीन का कम हुआ और चौथी का एक का बाकी, ऐसा तो जीव को ऐसा लगता है कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मुझे शांति मिल रही है। जैसे कर्जा लाख रुपए का था, बिजनेस करता है फिर भी मेहनत करता है, तो पहले साल में 50,000 कर्जा कम हो गया, तो उसको लगता है कि मैं कमा रहा हूँ, असल में कमा नहीं रहा है,
अभी तो जो भी कमाई हो रही है वो कर्जा चुकाना जाती है। अभी बंगला कहाँ खरीदेगा, साधन सामग्री कहाँ होगी, जब तक कर्जा नहीं चुका है तब तक कैसे होगा। लेकिन उसको ऐसा लगता है कि मैं कमा रहा हूँ, कमा रहा है ऐसा लगता है, फिर भी कमाता नहीं है। ऐसे यहाँ पर हम अवलोकन करें, जागृति करें और शांति आवे और अशांति खत्म हो जाए, उदासीनता आवे, वैराग्य आवे, गुरु की भक्ति आवे, आत्मा की धुन लगे, फिर भी ऐसा नहीं समझ कि हमको हमारी मंजिल मिल गई। ये तो क्या उल्टे चले थे बहुत, तो वापिस ठिकाने पे आने की कोशिश, फिर कमाई अब शुरू होने वाली है। अगर मंजिल पे आएगा बिल्कुल सुबह सुभाव नहीं होगा, ऐसी स्थिति आएगी तब श्री गुरु के प्रकाश है जो विधि है वेद ज्ञान की, वो स्टार्ट करके वो अपने आत्मा को देखेगा तो कमाई चालू होगी। अभी कमाई चालू नहीं हुई, तीसरी भूमिका नहीं आई अभी, फिर भी अशुभ से बचने के लिए शुभ भाव आता जरूर है, मुमुक्षु को भी अच्छे अच्छे भाव आएंगे, लेकिन उसको अच्छा नहीं मानना है क्योंकि वो भी पुण्य का बंध है। पाप के भाव कम हो गए और पुण्य के ज्यादा आते हैं, सारा दिन गुरु की याद आती है, आत्मा की याद आती है, कहीं संसार में रस नहीं है तो कोई खुशी होने की बात नहीं है क्योंकि अभी आत्मा कहाँ मिला है। इसीलिए अशुभ भाव आवे छे पर अंदर श्रद्धा राखे क्या हूँ करूँ छू के तो शुभ भाव से हजी अंदर मां करवानू बाकी छे। शुभ अशुभ बनने विकल्प थी रही, दोनों विचार नहीं आना है माइंड में, अच्छे भी नहीं बुरे भी नहीं, तो बुरे तो बुरे है वो तो करना ही नहीं, लेकिन अच्छे करना है तो अभी गड़बड़ है क्या, वो कहाँ रुक गया हो, वो अशुभ भाव में नहीं रुका लेकिन शुभ भाव के जाल में फंस गया, अशुभ भाव भी बंद का कारण है। गुरुदेव कहते थे कि तीर्थंकर गोत्र का बंदे ऐसा पुण्य बंद हो गए, इतना उत्कृष्ट पुण्य भाव जो इंद्र स्वधर्म इंद्र से ही बढ़िया है, वो स्वर्ग का देव बनना छोटा पुण्य है, तीर्थंकर बनना और भी बड़ा पुण्य है। लेकिन जिस भाव से वो बनता है, पुण्य के भाव से तीर्थंकर पद का स्टेटस मिलता है, ऐसा पुण्य की थाट सामग्री मिलती है, वो पुण्य भाव भी मुक्ति का कारण नहीं है, बंध का कारण। तीर्थंकर पद में रहते हैं तो भगवान को उपदेश दिव्य ध्वनि आदि रहता है तो कई साल तक निकल जाते हैं, जिसको समझाते हैं वो तो गुरु पद पे नहीं है, वो साधना करते करते हो सकता है भगवान अभी यहाँ सबको उपदेश दे, उसके पहले वो मोक्ष में चले जाता है साधना कर। कौन रोकता है भगवान को, केवल ज्ञान तो हो गया है शिष्य को, तो अभी केवल ज्ञान भी नहीं हुआ है, आत्मज्ञान भी नहीं हुआ है, फिर भी उनकी वाणी सुन करके आत्मज्ञान पा करके श्रावक दशा में आकर के मुनि दशा में आकर के ऋण लगा करके उसी भगवान बन जाते हैं, भगवान से पहले मोक्ष में चले जाते हैं, ऐसा ही बनता है। तो कौन रोका भगवान को, किसने रोका, उन्होंने जो बंधन किया था पुण्य भाव का, सब जीवों को तारना है, तब इतनी करुणा आई थी, वो करुणा में जो तीर्थंकर गोत्र का पद बंध गया, तभी बहुत से जीवों के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया उनका, तो उनको समझाना है और वो समझना है। अकेले मोक्ष नहीं जाते, तीर्थंकर की विशेषता क्या है, अकेले मोक्ष नहीं जाते हैं, खुद तो जाते ही है लेकिन अन्य कई जीवों का उद्धार करते जाते हैं, ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है, तो भगवान उसको खींच के नहीं लेके आते हैं, लेकिन भव्य भगवान की वाणी का निमित्त पा करके भव्य जीवों का आत्मा जागृत होता है और वो प्रयत्न कर करके अपने कल्याण करता है। तो आरोप क्या आता है कि भगवान की वाणी सुनी इसलिए ऐसा हुआ, लेकिन वो बंधन है, वो भी तीर्थंकर पद मिलना जिस भाव से, वो भाव भी बंधन है। शुभ अशुभ बनने विकल्प रहित, पूरे भाव नहीं करना सारी दुनिया कहती है, लेकिन अच्छे भाव नहीं करना वो कोई नहीं कहता है, सब लोग बोलेंगे मानव सेवा करो, दुखी लोगों की सेवा करो, शास्त्र छपाओ, मंदिर बनाओ, ये सब लोग कहते हैं, सत्संग करो सब लोग कहते हैं, आत्मा में रहो, आत्मा में लीन रहो, सब विकल्प छोड़ डालो, सबकी पंचायत छोड़ डालो, कोई नहीं कहेंगे, मेन बात तो वो कहना है। शुभ अशुभ बनने विकल्प रहे, न अशुभ भाव आवे न शुभ भाव आवे, विकल्प अतिक्रांत, सारे विकल्प छूट गए, मतलब मन का आधार लेना छूट गया, कब छूटे सारे विकल्प, क्या विकल्प कौन से चल रहे हैं, बिल्कुल इंटरेस्ट खत्म होगा, ये करना ये नहीं करना, जब विकल्प ही नहीं रहे, इंटरेस्ट खत्म हो गया सारी, ये करना है ये नहीं करना है, तो सारे विकल्प मन बिल मन चलता रहता है, उसको पड़ी नहीं आत्मा को, उसको जो सोचना है सोचे, नहीं सोचना है नहीं सोचे, मैं तो मेरे में हूँ ऐसा करके वो अपने ऊपर अपना आधार लेगा,
और पांचों इंद्रियों का और मन का आधार छोड़ लेगा खुद ही अपनी साधना के बल से, तो वो सारे विकल्प प्रतिग्रंथ हो जाएंगे। देखो आत्मा देखने की भाव करता है पहले, और फिर देखने की क्रिया करता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि देखना तो होता है लेकिन भाव नहीं, ऐसा नहीं होता है। भाव करता है फिर देखता है। तो यहाँ पर मन भी कब तक चलता है, अच्छे बुरे भाव कब तक करेगा, जब तक आत्मा उसको सपोर्ट करेगी तब तक। आत्मा खुद चाहती है वो हेरा फेरी करना, तो मन भी उठम पटक में जाता है, लेकिन अभी आत्मा उन्हें सोचना बंद कर दिया। जो होना है सो, जैसा होना है सो हो, मैं तो मैं जान जानने देखने वाला हूँ, ऐसा करके अपने स्वरूप में लीन रहे तो मन कंट्रोल में आ जाता है, मन में एक भी विकल्प नहीं आता है। उसको भी पहले प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करते करते वो पहले मन को समझ लेना है। करता आत्मा है मन के माध्यम से, उसे देखना है तो आंख के माध्यम से, और सुबह सुबह भाव करना है वो अपने अज्ञानता के कारण रास्ता भटक गया है, चाहिए सुख लेकिन सुख की प्राप्ति के लिए उल्टा उपाय करता है, तब उसके मन में अच्छे बुरे विचार आते हैं। चोरी करना है तो क्यों करना है, अशांति के लिए कि शांति के लिए, है तो पाप भाव लेकिन क्यों करता है वो, जो अपने आप को सुखी करने के लिए कि दुखी करने के लिए, बलि पकड़ा जाओ बलि जेल में चले जाओ, इसलिए करता है चोरी। गुस्सा क्यों करता है, अपनी इच्छा से दुनिया वाले को चलाना है, मान लिया तो ठीक है, नहीं तो गुस्सा करके भी मनवाना है, धंधा लेकर के मनवाना है, धंधा क्यों उठा है, अपने आप को दुखी करने के लिए कि अपने आप को सुखी करने के लिए। सारे भाव जीव अपने आत्मा को सुखी करने के लिए करता है, चाहे वो गलत तरीका हो चाहे सही तरीका हो। गलत तरीके में क्या करता है वो, अच्छे बुरे भाव करता है, सही तरीके में क्या करता है, किसी को पलटाना नहीं, कुछ भी हेरा फेरी नहीं करना है, जो हो रहा है सब ठीक ही हो रहा है, मैं तो सिर्फ जानने देखने वाला हूँ, मुझे पर से क्या संबंध, क्यों टाइम वेस्ट करूँ, मैं अपने आत्मा को नहीं देखूँ तो सुख का दाम, ऐसा करके वो अपने आत्मा को देखता है जब, तो वो सही तरीके से शांति में आ जाता है। जब ऐसा कोशिश करता है तब भी उसको शांति मिलती है। ठीक है, ऐसा है कि जब आत्मा में जाता है जीव तो मन अपने आप कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि अब मन को सपोर्ट नहीं करता है आत्मा, तो मन सोचना बंद कर देता है। ज्ञान जब आत्मा में लीन होता है तो दूसरे का आधार नहीं लेता है, किसी का भी पांच इंद्रियों का आधार नहीं, सुनता नहीं है देखता नहीं है, सब बंद हो गए, सब दरवाजे बंद, और मन भी सोचना बंद कर देता है, क्योंकि आत्मा अभी दूसरे काम में बिजी है, अपने भगवान को देखने का काम चालू है। तो ज्ञान में एक साथ दो कार्य नहीं होते हैं, अपने आप अपने भगवान को भी देखे और टीवी भी देखे, ऐसा नहीं होता है, अपने भगवान को भी देखे और आवाज भी सुने, ऐसा नहीं होता है, एक समय में एक ही कार्य होता है। जिस समय में अपने भगवान को देखता है आत्मा में लीन होता है, उस समय बाहर के पूरे कार्य बंद है, टोटल देखना सुनना चखना सोचना सब बंद है। तो वो तो काम क्या करता है, अपने आत्मा को देखने का, जब वो ऐसा कार्य करता है तब मन के ऊपर ध्यान नहीं देता है, तब मन अपने आप ठंडा पड़ जाता है, बस साथ में रहता है इतना, लेकिन उसका कोई कौल नहीं है, तो सारे विकल्प बंद करना बंद कर देता है। वो विकल्प बंद होते ही वो शांति हो जाती है, वो कायम ही शांति है, ये जो शांति रहती है वो हमेशा की शांति है, वो आत्मा की सच्ची शांति है। तो शुभ अशुभ बने विकल्प रहित, विकल्प अतिक्रांत दशा हजी मारे प्रकट करवानी बाकी है, ये दशा आना है। शास्त्र में आवे छे ने कि तारा की न बनी सके तो श्रद्धा तो बराबर कर जाए, भले हम आत्मा तक पहुंच नहीं सकते लेकिन भावना में तो ऐसा रहना कि शांति मुझे तभी मिलेगी जब मैं अपने आत्मा में लीन होऊंगा, तब बाकी जितने मैं उपाय कर लू उल्टा लटक जाऊं मुझे शांति मिलने वाले नहीं, चाहे घर में रह करके सत्ता अधिकार से रहूं तब मेरी माने ऐसा रहूं, दूसरे दुखी हो गए तो बड़े दुखी हो गए लेकिन मेरी चलनी चाहिए, ऐसा करके शांति में रहे अपनी अधिकार के कारण, या फिर संसार को छोड़ के नग्न दिगंबर होकर के जंगल में चले जाओ, दिन रात आत्मा 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 करूं ऐसा करते हैं, ध्यान लगाने की कोशिश करें, भक्ति में रहे दिन रात, लेकिन वो सच्चा उपाय नहीं है। सच्चा उपाय तो जहाँ वो है वहाँ उपयोग पलटा ले,
मन का आधार छोड़ करके जहां भी बैठा है वहां अपने आत्मा में लीन हो गए। ज्ञान ज्ञान को देखे, ज्ञान पदार्थों को न देखे, ज्ञान दोनों को भी देखता है। ज्ञान में ताकत क्या है, जैसे दीपक है तो दीपक की ताकत क्या है, अपने को भी प्रकाशित करे, पदार्थों को भी प्रकाशित करे। ऐसे हमारे पास यहाँ ज्ञान है तो ज्ञान अपने आप को भी जान सके और दुनिया वालों को भी जान सके। लेकिन दुनिया वाले को जाने तब अपने को ना जाने, और अपने को जाने तब दुनिया वाले आगे पीछे जाने, लेकिन ओल्ड टाइम में नहीं जाने। तो जहां बैठा है वहां वो ज्ञान अपने को जानना चालू करे तो पांचों इंद्रियों का और मन का साथ छूट जाता है, करना नहीं करना रहता ही नहीं, और परम शांति होती है, इच्छाएं खत्म होती है। करना वो भी इच्छा है और ये नहीं करना वो भी इच्छा है, खाना खाना वो इच्छा है और नहीं खाना उपवास है वो भी इच्छा है। दोनों से हट करके जीव अपने आत्मा में लीन हो गए तो सारी इच्छाएं खत्म हो गई। पांचों इंद्रियों संबंधी, मन संबंधी, भूतकाल वर्तमान काल भविष्य काल संबंधी सारी चिंताओं से मुक्त हो जाता है और आत्मा को देखता है। तो अंदर में ज्ञान के साथ में एक अकेला ज्ञान गुण नहीं है, शांति भी वही है, श्रद्धा भी वही है, आचरण भी वही है, वीर्य भी वही है। तो जैसे वो अपने भगवान को देखता है ऐसे भगवान प्रसन्न होता है और सुख शांति मिल जाती है उसको अपने आप। पहले के जमाने में नहीं आते हैं कहानियों में भगवान को प्रसन्न करने के लिए एक पांव पे खड़ा रहता है, उपवास करता है, जंगल में जाता है, लाड़ी बढ़ाता है, क्या क्या करता है। मुमुक्षु भी ऐसा करता है, अपने भगवान को प्रसन्न करने के लिए दूसरों को सोचना बंद कर देता है। अगर थोड़ी एक सेकंड भी किसी का सोचता तो अपने भगवान को पूरा प्रेम नहीं करता है, 100% नहीं, 100% भगवान के सिवा कुछ नहीं, मेरे आत्मा के सिवा मुझे किसी से लेना देना नहीं। ऐसा अगर वो पूर्ण भक्ति में आ जाए, सदगुरु ने रास्ता बताया तो सदगुरु के प्रति भी थोड़ा खींचा होता है तो सदगुरु उसको हल कर देते हैं। मेरी साधना नहीं, मेरी भक्ति नहीं करोगे तो चलेगा, क्योंकि तेरी मेरी भक्ति करने से तुझे शुभ भाव होगा, तुम पाप से तो बचोगे लेकिन तुझे अपना आत्मा का दर्शन होने वाला नहीं। तुझे जल्दी से कल्याण करना है तो तुम मेरे को भी छोड़ दे और तुम अपने आत्मा की भक्ति कर। तू अपने आत्मा की भक्ति करेगा तो सारे ज्ञानियों की भक्ति उसमें आ गई। कि नहीं फिर ऐसा में वो क्या बोलते हैं गरज सरी और भेद भेरी, ऐसा तो मैं नहीं करना चाहता हूँ, आपने रास्ता बताया तो आपके चरणों में रहना है, आपकी भक्ति में कैसे छोड़ सकता हूँ। कि नहीं तुम अपने आत्मा की भक्ति करोगे उसमें लीन रहोगे तो गुरु की भक्ति उसमें साथ में आ गई। तो वितराग का मार्ग अन्य धर्मों में और जैन धर्मों में अंतर बड़ा ये है। न्याय अन्य धर्मों में सदगुरु कहता है मेरे शरण में आओ, मां एकम शरणम, मेरे शरण में आओ मैं तेरे तुझे मौत में ले जाऊंगा, तेरे सारे दुख दर्द मिटा दूंगा। यहाँ कहते हैं नहीं तू भी भगवान हो, तू कोई शिष्य नहीं हो, तू अपने को पामर क्यों मानते हो, तुम अपने भगवान को देखो तो तुम भगवान हो जाओ। तुम भगवान इसलिए नहीं होते हो कि तुम अपने भगवान को छोड़ करके दूसरों की सेवा करते हो, दूसरे की ओर देखते हो तो अशुभ भाव होते हैं या फिर शुभ भाव होते हैं, दोनों में फंसते हो। जब तुम अपने भगवान को देखोगे तो तुम भी भगवान हो जाओगे। तो यहाँ के गुरु है उवित्रागी, उनको शिष्य के पास से कुछ लेना देना नहीं, भक्ति भी नहीं चाहिए, टोटल निष्प्रू है। ये तो करुणा बस बोध दिया है, तो उनको बोध देना इसको तारना ऐसा भी विकल्प नहीं आता है। सहज में वो आ गया और रचना हो गई तो हो गई, बाकी कोई वो अपने काम में पड़े हैं, वो अपनी साधना कर रहे हैं। जो भी भव्य जीव आया तो उसको दो शब्द बोल दिया कि तू तेरे आत्मा में जा, और ज्यादा विकल्प आया ज्यादा विस्तार से समझाया, बाकी उनको समझाने का भी भाव नहीं, शिष्य बनाने का शौक नहीं है उनको, टोली नहीं बनाने का है, संप्रदाय खड़ा नहीं करना है। वो तो इतना है कि भाई मुझे भगवान की तरफ से रास्ता मिला है, मैं उस रास्ते पे चल रहा हूँ, भगवान ने ऐसा कहा है, मुक्ति का मार्ग ये है, अगर आपको समझ में आवे कल्याण करना है तो आप भी रास्ते पे चलो, ऐसा बताते हैं। आप मेरे को कुछ दो तो मैं आपको बताऊं, नहीं तो नहीं बताऊं, ऐसा नहीं, क्योंकि माल तो मेरा है नहीं, माल तो जो भी है वो भगवान की वाणी में आया है, वो माल है, मुक्ति का मार्ग तो भगवान ने बताया है। हम बीच में हमको मिला है तो हम आपको ट्रांसफर करते हैं, बताते हैं, ट्रांसफर माने बताते हैं, इससे ज्यादा हमारा रोल नहीं, हम भला करने वाले नहीं किसी का। आत्मा स्वयं अपना भला करे और स्वयं अपना बुरा करे, नहीं समझे तो बुरा करे अपना, तो वही शुभ शुभ भाव करे और भगवान की वाणी समझ में आ जाए और अपने आत्मा की आराधना करे तो वो स्वयं अपना भला करे। तेरे से नहीं हो सके तो श्रद्धा तो बराबर करना कि मारे अजी घणु करवानो बाकी छे,
ये शांति मिलती है जब जाने देखने से, बोझा हट जाता, बोझा बिल्कुल कम हो जाता है। अवलोकन करते वक्त बोझा कम हो जाता है, सिर्फ जानना देखना है, कुछ हटाना करना नहीं है, तो शांति मिलती है। लेकिन ऐसा नहीं समझना कि मुझे रास्ता मिल गया है, ऐसा श्रद्धा करना कि मेरे को अभी भी इससे आगे बढ़ना है। अभी आत्मा के दर्शन कहाँ हो? हे मानिस, तो तने अंदर थी पुरुषार्थ करवाने अवकाश रह सक, मेरे को अभी कुछ करना बाकी रह गया है, ऐसा अगर तुम सोचेगा तो तुम प्रैक्टिस करते रहेगा, नहीं तो तेरा प्रयास रुक जाएगा। मुझे मंजिल मिल गई है और गुरु तो कुछ बोलते नहीं, हाँ भी नहीं हूँ भी नहीं, अपने आप मान लिया कि मेरे को मंजिल मिल गई, बस अब मुझे संतोष आ जाता है, पुरुषार्थ रुक जाता है। ऐसा नहीं चले, अभी ऐसा ही समझना है कि मुझे बहुत करना बाकी। ज्ञानी हो गया तो भी, अभी आत्मा का दर्शन हो गया तो भी, अनंत अनुबंधी का राग द्वेष बंधन टूट गया, भगवान को देख लिया, अब मुक्ति निश्चित है। लेकिन फिर भी अभी राग द्वेष के भाव जो आ रहे हैं, अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संतुलन का, जब तक जितनी शांति भगवान को मिल रही है केवल ज्ञानी को, पूर्ण वितरक को, उतनी ढेर सारी शांति उसको नहीं मिलती। जब भी उपयोग लगा तब थोड़ी थोड़ी शांति मिल जाता है, अंदर में तो समुन्द्र है शांति, लेकिन पूरा मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता है पूरा? क्योंकि अभी कसाय तीन, कसाय की तीन चौकड़ी बाकी है, चार में से सिर्फ एक ही गया है अनंत अनुमंडी का, अभी तीन कसाय की चौकड़ी बाकी है। वो कैसे जाएंगे? जैसे पहला गया वैसे दूसरा जाएगा। पहला कैसे गया अनंत अनुमंडी? आत्मा का दर्शन, आत्मा की साधना, लीनता करने से गया। दूसरे कसाय को भी निकालना तो वही तरीका है, दूसरा तरीका नहीं है। सारी दुनिया को देखना बंद करके, पांचों इंद्रियों को, व्यापार को बंद करके, मन का आधार छोड़ करके, सिर्फ अपने आधार पे मैं ये गायक आत्मा हूँ करके अपने में लीन होता है, तो लीनता बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ जाए तो दो कसाय की चौकड़ी हो जाती है, तब श्रावक दशा आती है। ऐसे ही सेम प्रैक्टिस करते करते अगर ज्यादा लीनता बढ़ जाएगी तो मुनि दशा आ जाएगी, तो तीन कसाय की चौकड़ी हो जाए। फिर मुनि हो गए तो काम होगा, तो नहीं अभी परमात्मा बनना बाकी है, उसको भी और साधना करना है, तो उसको श्रेणी लगाने का प्रयत्न करता है कि उपयोग बाहर जाना ही नहीं चाहिए, इसलिए निरंतर अंदर में रहे उसकी प्रैक्टिस करते हैं। फिर भी जाता है वापिस अंदर, आते हैं वापिस बाहर, जाता है वापिस अंदर, इसको बोलते हैं प्रमद अप्रमद दशा, छठे सातवें गुणस्थान। छह और सात गुणस्थान एक ही समय में रहता है, घड़ी में अंदर आत्मा में लीन होते हैं तो सातवा गुणस्थान, फिर बाहर आ जाते हैं तो छठा गुणस्थान, एक ही पोजिशन घड़ी घड़ी में चेंज होता रहता है। लेकिन वो कोशिश करते हैं कि वापिस सातवें में से आठवें में ऐसा चले जावे अंदर, फिर बाहर आवे नहीं, इतनी आत्मा में लीनता करे। तो प्रैक्टिस करते करते वो जब सफलता होती है तब सारे कसाय मिट जाते हैं, चारों कसायों पे विजय प्राप्त कर ली तो केवल ज्ञान हो जाता है, तो परमात्मा बनते हैं। मतलब मुमुक्षु को तो मानना ही नहीं है कि मैं आगे बढ़ गया हूँ, मेरे को तो बहुत कुछ करना बाकी है। ज्ञानी को भी नहीं मानना है कि मैं आगे बढ़ गया हूँ, मेरे में भी कमी है, तो भगवान कहाँ बना हूँ? भगवान को सिर्फ देखा है, अभी अवस्था में कहाँ केवल ज्ञान हुआ है, राग द्वेष कहाँ पूरे मिट गए हैं। तो साधना करने वाले को तो मैंने काम पूरा हो गया मेरा ऐसा माने तो खत्म हो गई बात, फिर पुरुषार्थ नहीं करता है। मेरे को बहुत कुछ करना बाकी है, ऐसा मानेगा तो तुझे अंदर से पुरुषार्थ करने का अवकाश रहेगा, कुछ बाकी है तो कुछ काम करेगा, बाकी नहीं है तो भी काम नहीं करेगा। पर स्वभाव करीने तू एम मान लईस कि मैं घणु करूं तो आगर जवान अवकाश नहीं रहे। जानने देखने वाले बन गए थोड़ी देर के लिए, अवलोकन थोड़ा चला छह आठ दस घंटे, शांति मिली तो मुझे बहुत मिल गया, ऐसा अगर मानेगा तो अभी तो आत्मा की शांति भी नहीं मिली है, ये तो स्वभाव की शांति है, तो फिर तुम आगे नहीं बढ़ेगा। आ बद्धा विकल्पो थी पार, बद्धा मतलब क्या, मैं आत्मा हूं ऐसा विकल्प वो भी नहीं रहना, तो भी अभी भी मन का संबंध है अंदर, सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, आत्मा के दर्शन करना है, ऐसी जो इच्छा है वो भी नहीं, वो भी नहीं, शुरुआत में रहेगी लेकिन बाद में वो भी खत्म होगी। सारे विकल्पों से पार, ढेर सारे विकल्प खत्म होकर के तो एक आत्मा की, आत्मा को पाने की इच्छा रहेगी, मुक्ति की इच्छा रहेगी। फिर वो साधना करेगा तो मुक्ति की इच्छा भी नहीं, आत्मा को पाने की इच्छा भी नहीं, समय दर्शन हुआ कि नहीं हुआ वो भी नहीं, कुछ नहीं। मैं ज्ञायक मूर्ति चैतन्य हूँ, मैं ही भगवान हूँ, ऐसा जो विकल्प चलता है चलेगा लेकिन वो भी छूटेगा, सारे विकल्प छूटेंगे तब आ बदा थी पार अतिक्रांत थी ने अंतर्मा जवानों से, अंदर में ज्ञायक है भगवान। मतलब
जब गायक को देखेगा तो एक भी विकल्प नहीं रहेगा, मैं गायक हूँ ऐसा विकल्प भी नहीं रहेगा, सारे विकल्प छूट जाएंगे। संसार के विकल्प तो डुबाने वाले हैं, लेकिन आत्मा के विकल्प वो भी आगे बढ़ा सके ऐसे। नहीं तो अगर वैसा भी नहीं करेगा, आत्म कल्याण की भावना भी नहीं रखेगा, तो फिर ऐसे संसार की रुचि रहेगी तो ऐसे साधन ऐसे हालत हो जाएगी कि ये वाणी भी सुनने को मिलेगी नहीं। मुक्ति की मुक्ति कैसे होती है, शांति कैसे मिलती है, सही तरीका क्या है, वो बात भी सुनने को नहीं मिलेगी। और जहां जाओगे वहां असत्संग होगा। सत्संग में जाना है तो भी रोकने वाले मिल जाएंगे आपको, नहीं जाना है वहां, क्या काम है वहां। अभी ऐसा ही हुआ बेंगलोर में, जो एक को लगनी लगी नए आदमी को, तो घर में से ही रुकावट आ गई, नहीं ये बात नहीं पकड़ना है अपने, घर में से ही रुकावट आती है। अब किसको क्या बोले, तकलीफ होती है। सत्संग में आवे साधना करे तो घर वाले रोकते हैं, ये क्या है, हमारे पूर्व कर्मों का फल है। भूतकाल में हमने आत्म भावना नहीं की है, शांति का सच्चा उपाय नहीं किया, तो फिर हमको हर जगह अंतराय आएगी, जहां जाएंगे वहां रुकावट 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 आएगी। तो ये आत्म कल्याण की भावना मुमुक्षु अवस्था में अपने आप होती ही है, तो इससे अनुकूल संयोग मिलेंगे, सदगुरु के वाणी मिलेगी, सच्चा देव गुरु शास्त्र मिलेंगे, ये मिलेंगे, लेकिन फिर भी मुक्ति तो नहीं मिलेगी। सदगुरु मिलने के बाद भी मुक्ति का कार्य सिर्फ वाणी सुनना नहीं है, सत्संग करना नहीं है, मुक्ति तो आत्मा का अनुभव करने में है। सदगुरु की वाणी सुनने में भी इंटरेस्ट आता है, बहुत इंटरेस्ट आता है, बार बार सुने तो भी थकान नहीं लगती है, ऐसा लगता है कि सारे काम का छोड़ के यही सुने, शांति मिलती है, सारी दुनिया की झंझट टूट जाती है, लेकिन इससे फिर भी मुक्ति नहीं मिलती है। सुन करके अंतर में अपने भगवान को देखना, वो कार्य करे, जितना जल्दी करे तो मुक्ति की साधना शुरू होती है। इसलिए ये बात कहा है कि शुभ अशुभ होता है, घड़ी में शांति घड़ी में अशांति, यहाँ पे शांति ऐसा होता है, लेकिन परमानेंट शांति कहाँ है। परमानेंट शांति तो आपको आत्मा का अनुभव करने से ही मिलेगी। अब प्रश्न नंबर है 473। प्रश्न, आत्म प्राप्ति करवा मा धीरज न खुटे, थकान न लगे, प्रैक्टिस चालू ही चालू रहे और तीव्र लगनी हो जाए, तेना माटे केवा प्रकार नो प्रयास करवो जोइए। इसमें इसकी रीत क्या है, नहीं तो क्या होता है कि बार बार प्रयत्न करते हैं, फिर थोड़ा चलता है, वापिस पटक जाते हैं, वापिस फंस जाते हैं उधर उधर, वापिस प्रयत्न करते हैं, वापिस उधर उधर फंस जाते हैं, तो फिर थक जाता है जीव, ये मेरा काम की बात नहीं है, मैं तो नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि बार बार फंसना होता है, फिर धीरज खुट जाती है, फिर वो प्रयास करना भी निराश हो जाता है, तो प्रयास करना भी छोड़ देता है। तो ऐसा ना हो जाए, निराशा नहीं आवे, धीरज न खुटे मतलब धीरज रहे, और अपना प्रयास भी निरंतर चालू 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 रहे, और लगनी बढ़ती जावे, आत्म कल्याण की लगनी भावना और बढ़े और बढ़े। इसके लिए मैं कैसा प्रयत्न करूं, किस किस विधि विधि कौन सी है, ये बात कहते हैं। समाधान, हाँ एक प्रयास करवानो छे, एक प्रयास मतलब क्या प्रयास, कौन सा प्रयास, अवलोकन का प्रयास, जानना देखना मात्र, हाँ एक प्रयास करवानो छे, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है, आप उपवास कर लो, चाहे दान दे दो, चाहे जंगल में मुनिराज बन करके चले जाओ, चाहे जितने मास का मन उपवास करो, वर्षी तप करो, कुछ भी कर लो, उपाय नहीं। धीरज को बनाए रखने के लिए, लगनी को बढ़ाने के लिए, सफलता के लिए एक ही प्रयास करना है बार बार, हाँ एक प्रयास करवानो छे, अनाधिकार थी अभ्यास बदो बारनो छे, पाप के भाव किया तो भी दूसरा हमारी बात नहीं मानता है, हमारी इच्छा अनुकूल नहीं होता है, तो पाप के भाव आए, सीधे उंगली से लेता है तो चोरी करके लेना, या माया का पड़ करके लेना, या लोभ के कारण मार्ग तोड़ के खींच के ले लेना, या क्रोध करके लेना, ऐसे कसायों के कारण प्रवृत्ति पूरी बार की है पाप की, और पुण्य की प्रवृत्ति क्या, वही बार की प्रवृत्ति है। जो सदगुरु को देखा तो सदगुरु को देखने के लिए, सुनने के लिए कान, तो वापिस इंद्रियों का आधार तो है ही है, वाणी सुनने के लिए कान चाहिए, देखने के लिए आंख चाहिए, फिर जो कहा उसका विचारणा करने के लिए मन चाहिए, अभी भी बाहर है, अंदर कहा गया, अनाधिकार थी अभ्यास बधो बार नो छे, तेती अंदर मा उतरवा माटे नो प्रयास करवानो छे। सुनो, लेकिन सुन करके जो कहा है कि तुम अंदर उतरो, वो अंदर उतरना है,
न 4 साल सुनो कि 10 साल सुनो कि सारी जिंदगी सुनो, फायदा होने वाला नहीं। 6 महीने में फायदा होता है लेकिन इसी प्रकार से गलत तरीके से तो नहीं होता है। 6 साल में भी नहीं होगा, 6 भाव में भी नहीं होगा। सुन करके अमलीकरण करे तो हो। जो बात कहते हैं सदगुरु के अंदर में अपने आत्मा का अवलंबन ले, अवलोकन चालू रखो, अंतर की साधना बढ़ा, वो अगर नहीं करे बारी बार उलझ जाए तो फिर 6 साल में भी नहीं होवे, 6 भाव में भी नहीं होगा। नहीं तो 6 महीने में तो गारंटी है, मैक्सिमम 6 महीने में हो जाए। तो अनाधिकार थी अभ्यास बदो बार नो छे, शुभ अशुभ भाव नो, तेथी अंदर मां उतरवा माटे नो प्रयास करवानो छे। आत्मा ने ओळखवानो ज प्रयास करवानो छे, दूसरा कोई प्रयास नहीं करना है। आत्मा को पहचानने का प्रयास, आत्मा ज्ञाता दृष्टा स्वभाव ही है, उसका स्वभाव जानना देखना है। तो आप भी जानना देखने मात्र रहो, बस इतना ही ये प्रयास अपने आत्मा को पहचानने। अगर हम जैसा स्वभाव है वैसा ही अगर हम कार्य करेंगे तो बोझा नहीं लगेगा, जैसा स्वभाव है इससे उल्टा काम करेंगे तो तकलीफ हो जाएगी। जैसे हमारा स्वभाव है कि हम बाहर का कुछ कर नहीं सकते, फिर करने को जाएंगे तो कभी होगा कभी नहीं होगा। क्यों होगा? तो पुण्य के कारण होगा, और बाकी तो होने वाला ही नहीं। होता है तब भी एक अकस्मात योग बन गया, पूर्व का पुण्य बीच में आ गया, तभी अपनी इच्छाएं कुछ सफल हुई। बाकी वो तो होने वाला नहीं, संभव नहीं, वो भी हमेशा नहीं होने वाला है, समझ लेना। कभी होगा कभी, जिस दवा से फायदा हुआ वो दवा दोबारा ले नहीं भी होगा, जिस डॉक्टर से फायदा हुआ दोबारा ले नहीं भी होगा। डॉक्टर परेशान है, ये क्या हो रहा है? ये हमारे कर्मों का उदय है। पुण्य का उदय हो तो साथ मिल जाता है, पुण्य का उदय नहीं है तो सारी दुनिया साथ देवे तो भी हमारा फायदा नहीं होता, हमारी इच्छाएं सफल नहीं होती। तो आत्मा ने ओळखवानो प्रयास करवानो छे। पहचानना किसको है? किसी अपने अपने आप को ही पहचानना है। ते विचार मा जाजो टकी न सके, अगर जागृति अवलोकन नहीं रहे कंटिन्यू तो बीच में सपोर्ट के लिए शास्त्र का स्वाध्याय करे, फिर उसमें भी समझो हमारा उपयोग बराबर नहीं जमता है अंदर में, तो और एक उपाय है। इसमें नहीं टिक पाया तो जिन वाणी सुने, भगवान की वाणी सुने, गुरु की वाणी सुने, नहीं तो टेप रिकॉर्ड के माध्यम से भी सुने। हम सुभावना प्रकार ने बदल लिया करे, पर जहां सुधी न था त्या सुधी शुभ में रहे, छता जब तक नहीं होगा तब तक शुभ भाव में रहेगा। फिर भी भावना किसकी रखना है कि जो मैं कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ, नहीं ठीक नहीं कर रहा हूँ, करना है वो तो अभी भी नहीं कर रहा हूँ, नहीं होता है, इसीलिए बीच में सबका आधार लेना पड़ता है, गुरु का, गुरुवाणी का, सत्संग का। बाकी मुझे क्या करना है, बस वो सुबह शाम सत्संग कर लिया, बस आज का दिन पूरा हुआ, ये तो गलत ही हो गया, कभी कल्याण नहीं होगा। आत्म कल्याण करने के लिए अवलोकन कंटिन्यू रहना चाहिए, सत्संग मिले तो भी अवलोकन, नहीं मिले तो भी अवलोकन, मेन चीज वो है आगे बढ़ने के लिए। ये सब सपोर्टिंग है, सत्संग सपोर्ट में है, गुरु की वाणी सपोर्ट में है, दर्शन भक्ति पूजा सब सपोर्ट में है। तो स्वभाव करे फिर भी भावना तो शुद्ध की रखे, मतलब आत्मा में जब लीन होगा तभी शांति मिलेगी, करवानू तो आज छे। ध्यान करे तो तेमा शांति लागे, पण अंतरनी शांति तो जुदी छे। ध्यान करने जाएगा तो वो शांति अलग, उसमें भी शांति है क्योंकि कसाय भाव बहुत कम हो जाते हैं, विकल्प सारे बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन ध्यान से जो निर्विकलता आती है, कभी कभी ध्यान करने बैठे तो वो एक भी विचार नहीं आ रहा है, तो ध्यान करे तो तेमा शांति लागे, क्योंकि अभी एक भी विचार नहीं आ रहा है, फिर भी वो सच्ची शांति नहीं है। निर्विकलता सच्ची शांति नहीं, अंदर की शांति को जुदी है, ये बात है। निर्विकल्प होगा तभी आत्मा का दर्शन होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि जब जब निर्विकल्प होगा तब तब आत्मा का दर्शन होगा। जब आत्मा का दर्शन होगा तब तो सारे विकल्प खत्म हो ही जाएंगे, निर्विकल्प अवस्था ही होगी, लेकिन निर्विकल्प अवस्था हुई इसलिए आत्मा का दर्शन होगा ऐसा नहीं। सारे धर्म यहाँ पर रोक देते हैं अपने आप को, देखो अभी एक भी विचार आता है राग द्वेष करने आता है, शांति मिलती है ना? हाँ मिलती है, कैसे नहीं मिलेगी? तब एक विचार भी नहीं आता राग द्वेष का तो शांति तो मिलेगी, लेकिन वो शांति और आत्मा को देखने की शांति, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। इस शांति में से तो वापिस अशांति में आओगे, लेकिन आत्मा की शांति के बाद कोई इच्छा ही नहीं रहेगी, बचेगी नहीं कोई इच्छा, कुछ कोई भी कर्तव्य भाव नहीं रहेगा, वो शांति कोई अलग प्रकार की, ये कायम ही है। आत्मा की शांति है वो परमानेंट है, और ध्यान करने से जो निर्विकल्प अवस्था आई वो कोई शांति परमानेंट नहीं है। बहुत से ना विपस्सना में कराते हैं, और भी चक्र वाला भी है,
यहाँ चक्र इधर चक्र इधर चक्र ऐसा वो भी साधना करा था, प्रेक्षा ध्यान भी है और भी बहुत से हैं, लेकिन वो करने धरने में ही है वापिस। ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो तो होगा, यहाँ करना धरना कुछ नहीं, जानना 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 देखना है और अपने आप जानते जानते बिना कुछ किए निर्विकल्प अवस्था आती है, ऐसा ध्यान होता है। फिर भी कहते हैं कि नहीं अभी तो मंजिल मिली नहीं है, निर्विकल्पता हमारा टारगेट नहीं है, तो निर्विकल्पता मिल गई तो हमारा काम होगा, चलो अब शांति। ऐसा नहीं, हमारा टारगेट भगवान आत्मा है, भगवान आत्मा का दर्शन होगा तब शांति से बैठना है, जब तक शांति से बैठना नहीं तो अंदर का आनंद आना चाहिए। अंदर से ध्यान करे तो तेमा शांति लागे, पर अंतर नी शांति तो जुदी ज छे। अपने भगवान का दर्शन नहीं होगा तब तक वो शांति मिलेगी नहीं, वो शांति मिलेगी तो सारी दुनिया की एक भी इच्छा रहेगी नहीं। अभी इच्छा है, रस है, आत्मा का दर्शन नहीं हुआ है। विकल्प नी जाड़ थी छूटी ने अंतर माथी जे आत्मा प्रगट थाय छे ते आत्मा जागृत छे। कौन सा आत्मा जागृत है? तो जो विकल्प की जाल से छूट गया है, अब इसको एक भी विकल्प अच्छे बुरे नहीं आते हैं, तो वो आत्मा जागृत है। इसको जागृत कहा, निर्विकल्प आत्मा को कैसा कहा? जागृत आत्मा का, उसको अपने आत्म कल्याण की भावना है और वो बार बार कोशिश करता है और जब जब कोशिश करता है तो इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि अभी जब कोशिश करता है तो एक भी अच्छा बुरा विचार नहीं आता है। इसका मतलब क्या, जीव विकल्प की जाल में से मुक्त हो गया, विकल्प की जाल से बच गया, छूट गई विकल्प की जाल। और आत्मा में अनुभव वेद ज्ञान के माध्यम से करता है, अपने आत्मा का दर्शन करता है तो आत्मा प्रकट होता है उसी अवस्था में। तो कहते हैं कि ये आत्मा जागृत है। अब वो जागृत माने क्या? ज्ञान दशा आ गई, अब सावधान हो गया, अब साधना करने लगा, अभी प्रमादी नहीं है, चुपचाप बैठा नहीं है, पुण्य पाप में नहीं फंसा है, जागृत हो गया है, अंधा नहीं हो गया है कि सारा काम पांच इंद्रिय और मन करे और खुश होया रहे, ऐसा नहीं है। अब वो जागृत हो गया है, हर कदम कदम पे उसको मालूम होता है मेरे हित का क्या, अहित का क्या, क्या करना क्या नहीं करना। अन्य मति कहे छे कि विकल्प छूटा आत्मा शून्य थी जाए। देखो अन्य धर्म में ऐसा कहते हैं शून्य, कुछ नहीं कुछ नहीं, तो किसको देखता है? जैसे हमने टीवी चालू किया तो टीवी पे कोई भी सीरियल चल रही है तो ये सीरियल चल रही है ऐसा मालूम हुआ, अब वो लाइट चले गई तो सीन भी चलेगा ना, तो हम क्या कहते हैं अब कोई भी सीरियल नहीं आ रही है, लाइट बंद हो गई है, अब किसको देख रहा है? सीरियल आती थी तब किसको देखता था और सीरियल नहीं आ रही है तब किसको देख रहा है? नजर कहाँ है? कि सीरियल आती थी तब भी नजर टीवी के ऊपर और सीरियल नहीं आ रही तब भी नजर किधर है? सीरियल के ऊपर। तो कुछ नहीं है जो बोलने वाला है, जानने कुछ नहीं है को जानने वाला अलग है वापिस, सीरियल को जानने वाला स्वयं और नहीं आती है उसको जानने वाला भी स्वयं। तो ये भाव आता है, ये भाव आता है तो भी नजर बाहर है और कुछ भी नहीं आता है तब भी नजर बाहर, अंदर जानने वाले पे नहीं आई। तो अन्य मत क्या कहते हैं कि विकल्प सारे छूट गए, अब कुछ नहीं है, शून्य। इसलिए कई लोगों ने आत्मा शून्य है ऐसा कहा, बिल्कुल शून्य में चले जाओ, भीतर चले जाओ, शून्य में चले जाओ, शून्य हो जाओ, अकेले हो जाओ, लेकिन वो आत्मा की अनुभूति नहीं है क्योंकि फिर भी जानने वाले को तो जाना नहीं, पर टेम नथी। विकल्प छूटता आत्मा शून्य थई जाय छे पर टेम नथी, मतलब अन्य धर्म में जो कहते हैं वो गलत बात। विकल्प टूटता विशेष जागृत थाय छे, जब विकल्प टूट जाते हैं सारे तो जो जागृति थी पहले विकल्प की थी सावधानी, कौन से आ रहे देखना है मेरे, सिर्फ देखना करना है, लेकिन सारे विकल्प छूट गए तो अब जागृति और बढ़ गई। जो बड़ी हुई जागृति में वो पलटी मारे तो जानने वाले को देख सकता है, इसलिए वो जागृति और बढ़ गई। अब कोई ऑब्स्टेकल्स नहीं है, तो जानने जावे और विकल्प बीच में आ जाए, अब विकल्प सारे हट गए, पर्दा पूरा जल गया है, तो जागृति विशेष आई है। जब विशेष जागृति हुई तो एक विकल्प एक भी नहीं रहेगा, अच्छे बुरे एक भी भाव नहीं रहेगा, मैं आत्मा हूं ऐसा विकल्प भी नहीं रहेगा, तो जागृति और बढ़ गई। उस समय में अगर वो मैं जानने वाला हूं ऐसा हाजिर हूं ऐसा लेवे तो आत्मा का अनुभव हो, क्योंकि जागृति बड़ी हुई है। आत्मा में अनंतता गुण भरा छे, चेतन तत्व में अनंतता भरेली छे, ते आनंद आदि अनंत गुणों नु वेदन तेने स्वानुभव में थाय छे। जागृति बढ़ गई और लक्ष्य आत्मा का, कुछ नहीं दिख रहा है ऐसा नहीं, कुछ नहीं है कोई भी जानने वाला, मैं आत्मा हाजिर हूं, सारी दुनिया नहीं रहेगी तो भी मैं रहूंगा क्योंकि मैं अजर अमर आत्मा जानने देखने वाला हूँ।
ऐसा नजर करते ही अनंत गुणों का वेदन उसको उस अनुभव में होता है, आत्मा का अनुभव होता है। लेकिन विकल्प छोड़ू, हूँ विकल्प छोड़ू, विकल्प छोड़ू एम कर्या करे तो विकल्प छूटता। पोतानी अंतरनी योग्यता प्रकट थाय, जागृति बढ़े, विकल्प बिना छोड़े छूट जाए, बिना छोड़े। और इसका लक्ष्य तो अपने आत्मा के ऊपर, मतलब जानने देखने वाला हूँ ऐसा रहे तो विकल्प छूट जाते हैं। विकल्प थी अतिक्रांत थी ने स्वानुभूति दशा प्राप्त थाय त्यारे ज खरी शांति थाय। जहां सुधी खरी शांति उत्पन्न न थाय त्या सुधी भेद ज्ञान नो अभ्यास करवो। भेद ज्ञान नो अभ्यास करवो मतलब मैं जानने वाला हूँ, मैं जानने वाला हूँ, ऐसा अपनी मौजूदगी उसका अभ्यास करना। आज ये विकल्प आवे छे कि हूँ ज्ञायक छू, एनाथी पण हूँ जुदो छू। क्षणे क्षणे आज अभ्यास करे कि आज ये शुभ अशुभ भाव आवे छे एनो जाणनार हूँ, एनाथी भिन्न छू। प्रयास की शुरुआत वेद ज्ञान ना अभ्यास थी थाय छे। गमे ते विकल्प आवे, शुभ भाव आवे कि अशुभ भाव आवे, ये मारू स्वरूप नथी। जेवा सिद्ध भगवान छे एवो ज हूँ छू, हूँ तो शुद्ध निर्मल एक रूप तत्व छू। ऐसा अपने को जानने वाला हूँ, जानने वाला हूँ ऐसा महसूस करे और एक ही धारा में रहे तो विकल्प भी अपने आप टूट जाएंगे और लक्ष्य आत्मा का होने से आत्मा का अनुभव भी हो जाएगा। तब जो शांति मिलेगी वो सच्ची शांति। यहाँ तक ही दिन रात रहे सदा ज्ञान मई हर शांति अनंत नाम पदते परते जयते प्रणाम पदते। बोलो परम करी सद्गुरु देव की जय।